तो अभी प्राइस 420 रुपीज एंड 80 पैसा तक आ गई थी। पहली बार कोई इंसान चाह रहा होगा कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है और हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम अपने स्टॉप लॉस को ऐसा कर दें कि एक बार प्राइस बढ़ने के बाद अगर वापस नीचे भी आ जाए तो भी हमें लॉस ना हो, मतलब एक नो लॉस स्टॉप लॉस? तो हाँ, ये पॉसिबल है। और ये आप कैसे कर सकते हैं ये आज मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। इसके साथ ही आज मैं आपको स्टॉप लॉस की कुछ स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जिससे आप गलत स्टॉप लॉस लगाकर जो अपना लॉस करवाते हैं ना वो रुक सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है, उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा। तो स्टॉप लॉस के नाम से ही समझ आ रहा है, अपने लॉस को रोकना। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता है कि आपको ट्रेडिंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है तो अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। अब अगर अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गया वो तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर अनलिमिटेड लॉस हो गया मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो सारी खत्म हो गई, तो फिर आप दोबारा से इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक मैकेनिज्म होता है जिससे आप अपने लॉस को लिमिटेड कर सकते हैं और उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो अगर मान लो आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए की प्राइस में बाय किया है, तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं 90 रुपीज का, या फिर आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको जो भी अमाउंट ठीक लगता है। अगर स्ट्रेटजी नहीं पता तो आगे वो भी बताने वाला हूँ। उस हिसाब से आपने मान लीजिए अपना स्टॉप लॉस 90 रुपीज रख दिया, तो अब इसके बाद अगर प्राइस बढ़ती है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर प्राइस गिरती है तो फिर प्राइस बहुत ज्यादा गिर सकती थी। बट क्योंकि आपने 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो जैसे ही प्राइस 90 रुपीज पे जाएगी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको सिर्फ 10 रुपए का लॉस होगा। अब इसके बाद हो सकता है प्राइस 80 जाए, 70 जाए, 60 जाए, 50 रुपए जाए, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने 90 रुपीज में उसको ऑटोमेटिकली सेल कर दिया है। अब ये होता कैसे है चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसके लिए आ गया हूं मैं अपने डीमैट अकाउंट पे। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके आपके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर जाने के बाद आपने स्टॉप लॉस लगाना कैसे है? तो देखिए, स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके होते हैं, या तो जिस टाइम पर आप शेयर बाय कर रहे हैं उसी टाइम पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या फिर जब आपने शेयर बाय कर लिया है उसके बाद भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप शेयर बाय कर रहे हैं उस टाइम आप अपना स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं चलिए वो देखते हैं। तो यहां पर मैं एग्जांपल के लिए एक स्टॉक ले रहा हूं, आप इसको एग्जांपल की तरह ही कंसीडर कीजिएगा। तो अगर आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो आपने उस स्टॉक का नाम सर्च करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप विप्रो को बाय करना चाहते हैं तो आपने विप्रो को लिख के सर्च किया, इस पे क्लिक किया और यहां पे बाय करने का ऑप्शन आ जाता है। अब जब आप यहां पर आ जाते हैं तो मेनली आपको दो तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं हर डीमैट अकाउंट में, एक है डिलीवरी और दूसरा है इंट्राडे। तो मान लेते हैं कि मैं इंट्राडे के लिए 10 शेयर बाय कर रहा हूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो अब अगर मैं बाय पे क्लिक कर दूंगा तो शेयर बाय हो जाएगा। तो अगर आप ट्रेड लेते वक्त ही स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है ना ये एक बाय ऑर्डर की तरह प्लेस होगा, इसलिए आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज नहीं करना है, आप रोबो ऑर्डर का यूज यहां पर कर सकते हैं। तो रोबो ऑर्डर में आप चाहें तो स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसे 501 रुपीज एंड 15 पैसे की प्राइस में बाय करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 490 रुपीस पे होगा और जो हमारा टारगेट होगा वो आप जितना आप चाहते हैं कि प्राइस इतनी बढ़े तब सेल हो जाए तो उतना आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। इससे आपका जो ट्रेड होगा वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं 550 रुपीस का टारगेट लेकर चलना चाहता हूं और इसके बाद मैं यहां पर बाय पे क्लिक करता हूं और यहां पर इस बार मैं 100 शेयर्स बाय कर रहा हूं क्योंकि बाय करना ही है, तो आपको ठीक ठाक एग्जांपल दिखाता हूं। तो मैंने बाय पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया तो अभी हमारा यहां पर एक पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है और वो जो पेंडिंग ऑर्डर है वो लगा है 501 रुपीस एंड 15 पैसे की प्राइस में। अब जैसे ही प्राइस 501 रुपीस एंड 15 पैसे जाएगी तब जाकर हमारा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली दो ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, जिसमें से एक जो होगा वो स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा और दूसरा जो होगा वो लिमिट ऑर्डर होगा। तो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमें इसमें 10 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि जैसे ये ट्रेड प्लेस हुआ उसके साथ ही ऑटोमेटिकली यहां पर हमारे स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर लग चुके हैं। तो इस तरीके से अगर प्राइस गिरती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, और अगर प्राइस बढ़ती है तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका है। अब जो दूसरा तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का वो ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादातर लोग वही तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो चलिए अब उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए आप किसी एक स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप आईटीसी का शेयर बाय करना चाहते हैं, तो आपने ऊपर से नाम सर्च कर लिया और वहां से बाय कर सकते हैं, हमने अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर रखा है।
तो हम एग्जाम्पल के लिए यहीं से इसे बाय पे क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर जितने भी शेयर्स बाय करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 200 शेयर्स बाय करना चाहता हूँ, तो मैंने 200 क्वांटिटी लिख दी है। और उसके बाद आपने जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो ट्रेड है ये हमारी पोजिशन पर आ गया है। तो अब जैसे ही आप ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद अगर आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको दो तरह की प्राइस यहाँ पर देखने को मिलती है, एक होती है ट्रिगर प्राइस और दूसरी होती है लिमिट प्राइस। यहाँ पर दो प्राइस इसलिए दी गई है क्योंकि कई बार होता है कि जो मार्केट है वो बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है, तो ऐसे में आपका स्टॉप लॉस मिस ना हो जाए। जैसे मान लीजिए आप 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप ट्रिगर प्राइस में 401 लिख दो। इससे क्या होगा कि लिमिट प्राइस यहां पर ऑलरेडी सेट हो चुकी है, तो अगर अब मार्केट बहुत तेजी से गिरता भी है तब भी आपके जो शेयर्स होंगे वो इस रेंज के बीच में सेल हो जाएंगे। तो अब अपना स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपने यहां पे सेल पे क्लिक कर देना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने कंफर्म पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड है ये अभी भी मेरी पोजीशन में है जिसमें मुझे 50 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और अब इसके साथ ही यहाँ पर हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है जिसकी जो प्राइस है वो 401 रुपीज है। तो अगर प्राइस 401 रुपीज पे आती है तो हमारे जो शेयर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अब ये जो ट्रेड है इसको फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि आगे भी मुझे आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। तो स्टॉप लॉस लगाना कैसे है ये तो आपको समझ आ गया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक स्टॉक को 100 रुपीज की प्राइस में खरीदा है और अपना जो स्टॉप लॉस है वो 90 रुपीज का रखा है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार प्राइस जो है वो 90 रुपीज पे आती है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद प्राइस वापस बढ़कर 120 रुपए पे चली जाती है। अब ऐसे में आपको लगता है कि अगर मैंने ये स्टॉप लॉस ना लगाया होता फिर तो जो प्राइस थी वो नीचे आती वापस बढ़ती और मुझे प्रॉफिट हो जाता, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने की वजह से मुझे लॉस हो गया। और इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। लेकिन ऐसे लोग लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते हैं क्योंकि उन्हें आदत है कि बिना स्टॉप लॉस के ही वो ट्रेड करते हैं। तो एक ना एक बार तो ऐसा होगा कि प्राइस नीचे गिरेगी और उसके बाद गिरती चली जाएगी। तो ऐसे में जो 2 या 4 या 10 ट्रेड में उन्होंने कमाया होगा ना वो सारा एक ट्रेड में चला जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की सोच रहे हो फिर तो देखो आपको ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। तो अभी कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा कि मैं कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करूंगा, ये आपने जरूर कमेंट करना है। और साथ ही वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो स्टॉप लॉस लगाना है ये तो क्लियर है, लेकिन कहां लगाना है जिससे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाएं, चलिए वो समझते हैं। तो सही स्टॉप लॉस लगाने का पहला तरीका तो होता है कि मान लीजिए आप किसी स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ही आपको अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है तो आप इस कैंडल के नीचे यानी इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा नीचे यहां पर अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। ये स्ट्रेटजी के हिसाब से हो गया। अब इसके बाद हो सकता है कि आप कोई दूसरी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपना एक स्टॉप लॉस होता है जो आपको लगाना होता है। अब इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो तरीका है एक इंडिकेटर का यूज करना जिस इंडिकेटर का नाम है ATR यानी एवरेज ट्रू रेंज। तो इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपने ATR लिखना होता है और जैसे ही आप ATR लिखेंगे आपको दिखाई दे रहा है एवरेज टू रेंज, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस इंडिकेटर को लगा देते हैं तो यहां पर आपके सामने चार्ट में एक इस तरीके की लाइन बन जाती है जिसकी एक वैल्यू होती है जो कि यहां पर आपको दिखाई देती है। जैसे इसकी अभी जो वैल्यू चल रही है वो 20 के आसपास चल रही है, तो इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो ATR वैल्यू का आप 2 times यानी अगर इसकी वैल्यू 20 चल रही है तो आप 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और यहां पर जो ये वैल्यू आपको दिखाई देती है ये टाइम फ्रेम के हिसाब से होती है यानी जब आप 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर आप 1 घंटे के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो वहां पर उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 घंटे के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो यहां पर इसकी जो वैल्यू है ये 80 के आसपास चल रही है तो आप लगभग 160 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं अगर आप 1 घंटे की कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप 1 घंटे की कैंडल में ट्रेड करेंगे तो वहां पर आप 2 से 3 दिन के लिए ही ट्रेड लेंगे। अब ये जो ATR है ये स्टॉप लॉस को बता कैसे सकता है, हम कैसे मान लें कि ये सही स्टॉप लॉस बताएगा? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो ATR है ये एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है जो कि एक प्राइस में कितना वेरिएशन आ सकता है इसके बारे में बताता है। तो अगर प्राइस यहां पर चल रही है तो इसका मतलब है कि 1 डे के टाइम फ्रेम में यहां पर इस प्राइस का वेरिएशन आ सकता है, तो हम सेफ्टी के लिए 1.5 times से लेकर अप टू 2 times तक का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं।
और इसके बाद जो तीसरा तरीका होता है सही स्टॉप लॉस लगाने का, वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना। तो जैसे मान लीजिए अगर आप यहां पे ट्रेड ले रहे हैं तो यहां पर आपको इसका सपोर्ट कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यानी ये जो रेंज है ये इसका एक सपोर्ट है। तो यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, लेकिन सिर्फ सपोर्ट पे ही स्टॉप लॉस मत लगाने ला। जैसे अगर मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये 990 है, तो आप 990 पर ही अपना स्टॉप लॉस मत लगाना, इससे थोड़ा सा नीचे आप 988 पे लगा सकते हो, 985 पे लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरीके से सही स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम नो लॉस स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पर चेकआउट कर सकते हैं, और इवन वहां पर दो वीडियोस तो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो हमारे ऐप नीरज जोशी को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखो एक स्टॉप लॉस नो लॉस स्टॉप लॉस तभी हो सकता है जब मान लीजिए आपने उसको 90 रुपीज की प्राइस में खरीदा है और आपका जो स्टॉप लॉस हो वो भी 90 रुपीज का ही हो। लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है और आप ऐसा स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। तो देखो ऐसा स्टॉप लॉस आप तभी लगा पाएंगे जब आपने एक स्टॉक को 90 रुपीज पे खरीद लिया और उसके बाद जो प्राइस है वो बढ़ने लग जाए, मतलब बढ़कर 95 चली जाए, 96 चली जाए या 100 रुपीज चली जाए। अब अगर प्राइस 100 रुपीज जा चुकी है ना, तब आप 90 रुपीज का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और वो कैसे लगाया जाता है देखते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक ऑटोमेटिक वाला तरीका भी बताऊंगा, तो उसको भी देखेंगे। तो देखो हमने वो जो ITC का शेयर बाय करा था वो हमने 420 रुपीज एंड 65 पैसे की प्राइस में वो एग्जीक्यूट हुआ था, और अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 421 रुपीज एंड 30 पैसा, जिसमें हमें 120-130 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि इसके बाद प्राइस वापस गिर जाए और थोड़ा लॉस में आ जाए, लेकिन क्योंकि प्राइस थोड़ी सी बढ़ चुकी है तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैंने पहले जो ये 401 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया था ना, उस स्टॉप लॉस को मैं चेंज करके कर दूंगा जिस प्राइस पे मैंने बाय किया था, यानी 420 रुपीज एंड 65 पैसा उस प्राइस पे। तो अब इसके लिए हमने जो स्टॉप लॉस लगाया उस पे हमें जाना है और उसके बाद एडिट ऑर्डर पे क्लिक करना है, और यहां पर जाने के बाद हमें हमारा जो स्टॉप लॉस है उसे हमें चेंज कर देना है 420 रुपीज एंड 65 पैसा जिस प्राइस में हमने उसे बाय किया है। तो अब देखिए अब क्या होगा, यहां पर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 420 रुपीज एंड 70 पैसे का लग चुका है। तो अब जरा ध्यान से देखो, मैंने इसे खरीदा था 420 रुपीज एंड 65 पैसे पे और मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा दिया है 420 रुपीज एंड 70 पैसा, यानी अब अगर प्राइस बढ़ती है फिर तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर प्राइस गिरती है तो जैसे ही प्राइस 420 रुपीज एंड 70 पैसे पे जाएगी मेरा स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और मुझे लॉस हो ही नहीं सकता। तो अभी प्राइस 420 रुपीज एंड 80 पैसा तक आ गई थी, 85 पैसे पे चल रही है। पहली बार कोई इंसान चाह रहा होगा कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। तो प्राइस 420 रुपीज एंड 80 पैसा पे आई है और 421 रुपीज पे वापस चली गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। हमने इसे 420 रुपीज एंड 65 पैसे की प्राइस में बाय किया था और जो हमारा सेल हुआ वो भी 420 रुपीज एंड 65 पैसे की प्राइस में हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को एक नो लॉस स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो अब इसको ऑटोमेटिकली कैसे करना है चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय कर लेता हूँ, ये मैंने 1 लॉट लिख दिया है, और उसके बाद यहां पर आपको एक रोबो ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहां पर सबसे पहले आप जो अपना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं वो डिसाइड कर लेना है। तो अभी जो प्राइस चल रही है वो 360 रुपीज पे मैं इसको बाय करना चाहता हूं, तो मैंने 360 रुपीज सेट कर लिया है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मैं चाहता हूँ कि 340 रुपीज पर हो, और जो हमारा टारगेट है वो मैं चाहता हूँ कि 400 रुपीज पे हो। तो इसी के साथ यहाँ पर हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ समझाने के लिए मैं 1 रुपए डाल रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर शेयर की प्राइस 1 रुपए बढ़ेगी तो हमारा स्टॉप लॉस भी 1 रुपए बढ़ जाएगा, अगर प्राइस 2 रुपए बढ़ेगी तो हमारा स्टॉप लॉस भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। अब जब तक मैं ट्रेड बाय करता आपको चीजें समझाता तब तक क्या हो चुका है कि प्राइस थोड़ा गिर चुकी है, तो मैं यहां पे प्राइस को चेंज कर देता हूं और हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट है उसको भी चेंज कर देता हूं। तो ये अब हमने हमारा जो ट्रेड है वो लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड हमारी पोजीशन में आ चुका है जिसको मैंने 352 रुपीज की प्राइस में बाय किया है। यहां पर फिलहाल अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 327 रुपीज एंड 65 पैसे दिखाई दे रहा है, आप देखोगे कि थोड़ी देर में अपने आप ये जो स्टॉप लॉस है वो ध्यान से देखना 327 रुपीज एंड 65 पैसे है, अगर प्राइस बढ़ती है तो ये स्टॉप लॉस खुद चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी प्राइस 353 रुपीज
355 रुपीज गई है और अब आप देखो कि हमारा स्टॉप लॉस 330 रुपीज एंड 65 पैसा हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस 354 355 गई है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बढ़कर 331 रुपीज एंड 70 पैसा हो गया है। ऐसे ही प्राइस अगर बढ़ती चली जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जो प्राइस पे मैंने बाय किया है यानी 352 रुपीज उस प्राइस पे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। अभी 334 रुपीज पे हमारा स्टॉप लॉस पहुंच गया है यानी अब अगर प्राइस गिरती भी है तो पहला तो मुझे कम लॉस होगा और हो सकता है कि मेरा जो ट्रेड है वो एक नो लॉस ट्रेड बन जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो 366 367 तक पहुंच गई है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बढ़कर 343 रुपीज का हो चुका है। तो देखा आपने किस तरीके से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है और जैसे ही हमने जब बाय किया है उसके बाद मार्केट उतने पॉइंट्स बढ़ जाएगा जितने पॉइंट्स का हमने स्टॉप लॉस ले रखा है तो फिर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो एक नो लॉस स्टॉप लॉस बन जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हर ट्रेड में आप एक स्टॉप लॉस को नो लॉस स्टॉप लॉस नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट जिस ट्रेड में प्राइस बढ़ रही है उस ट्रेड में आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको बढ़ाकर जिस प्राइस में आपने बाय किया है उस प्राइस पर अगर पहुंचा देते हैं तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक नो लॉस बन चुका है। तो अगर आपको ये सब कुछ क्लियरली समझ आ गया है तो कमेंट में जरूर लिख देना कि मैं बिना किसी स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड नहीं करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी है, परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और परफेक्ट टारगेट कैसे लगाना है ये जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।